बढ़ती महंगाई के त्योहारी सीजन में आम आदमी के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाम तेल की कीमतों में गिरावट आ रही है और ये एक साल के निचले स्तर पर आ चुका है, लेकिन FMCG कंपनियां पाम ऑयल के रेट में गिरावट ग्राहकों पर डालने से कतरा रही हैं और कीमतों में कटौती नहीं कर रही। आपको बता दें कि इंडोनेशिया के प्रतिबंधों के बाद पाम तेल की कीमतों में तेजी आई थी, जिसके बाद सरकार के स्तर पर की गई पहल से कीमतों में गिरावट देखने को मिली। वहीं मिली रिपोर्ट के मुताबिक पाम ऑयल में गिरावट के बावजूद PCG कंपनी अब राहत देने को तैयार नहीं है। कंपनियों का कहना है कि कच्चे माल की कम कीमत होने से कीमतों में कटौती संभव नहीं है, आने वाले समय में कीमतों में और गिरावट आ सकती है। वहीं सरसों की फसल का समय नजदीक आने पर कीमतों में धीरे धीरे कमी आने की उम्मीद है। पिछले 1 से 2 महीने में गेहूं और चावल के दाम में 15% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। आपको बता दें कि पाम ऑयल 90 रुपए प्रति लीटर तक अभी देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।